हेलो फ्रेंड्स, वेज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं तरी वाले कुंदरू, जो इतने मज़ेदार हैं कि आप इसे एक बार खाओगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। तो एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करें, आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुंदरू को इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चार भागों में इसे डिवाइड कर दिया है, तो इसी तरीके से आपको भी इसे कट कर लेना है। और अब हम पैन में ऐड कर लेंगे 3/4 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद हम कुंदरू को इसी में ऐड कर लेंगे और इसे हम सैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो जाए उतना हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम इसको फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा कुंदरू बहुत ही बढ़िया फ्राई होकर रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और उसी बचे हुए तेल में हम ऐड कर लेंगे जीरा, थोड़े से खड़े मसाले, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हो। बढ़िया इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 चॉप किया हुआ अनियन। अनियन को भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए तब तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 चॉप किया हुआ टोमेटो। टोमेटो को ऐड करके हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, बस इतने ही मसाले ऐड किया। अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इन्हें भी भूनेंगे। यहाँ पे हमारे मसाले रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पीनट। पीनट को मैंने पहले ही रोस्ट करके रख लिया था, इसे हम पाउडर बना लेंगे। तो मिक्सर जार में ऐड करके हमें इसे फाइन पाउडर बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद इसी पाउडर को हम ग्रेवी में ऐड कर लेंगे जिसे हमने बना के रेडी किया था, और अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे पानी और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ही थिक है तो आप थोड़ा पानी और भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 कप और पानी ऐड किया। अच्छी तरीके से सभी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और इसे हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्राई किए हुए कुंदरू और अच्छी तरीके से ग्रेवी में इसे मिक्स कर लेंगे। कुंदरू को हम यहाँ पे ग्रेवी के साथ कुक होने के लिए 2 मिनट तक छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कवर करके 2 मिनट तक इसे कुक कर लिया है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर दोनों आया है तरी के साथ। तो बस अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप किया हुआ धनिया के पत्ते, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और यहाँ पे मैंने ऐड किया चॉप किया हुआ ग्रीन चिली। अगर ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ऐड करो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो बस अब हम गैस के फ्लेम को कर लेंगे ऑफ और करेंगे इसकी फटाफट से प्लेटिंग। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर दोनों आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसे तरी वाली सब्जियाँ मिलती है वैसे ही बन के रेडी हुआ है ये। तो आप भी इसे तरी वाले कुंदरू को ज़रूर बना के एंजॉय करें। इसे रोटी, पराठा, नान या चावल किसी के भी साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, ये सभी के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अगर आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।